iOS 14 पब्लिक बीटा 4 ऑफिशियली यहाँ पे रिवील हो गया, लॉन्च हो गया है सारे आई डिवाइस के लिए। और जिसने यहाँ पे पहले iOS 14 का प्रोफाइल डाउनलोड किया था, इंस्टॉल किया था, उनको ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। वैसे iOS का कभी कुछ कॉस्ट होता नहीं। बट कमिंग बैक टू पॉइंट, अगर आपको iOS 14 का पब्लिक बीटा 4 ट्राई करना है या इससे पहले आपने कोई भी पब्लिक बीटा डाउनलोड किया हुआ है, कुछ नहीं करना है, फोन को अनलॉक करना है, सेटिंग में जाना है, जनरल में जाना है, सॉफ्टवेयर अपडेट में जाना है, सॉफ्टवेयर अपडेट को चेक करना है, वहाँ पे आपको iOS 14 पब्लिक बीटा 4 लिखा हुआ आ जाएगा। अराउंड 600 MB के आसपास की फाइल है, तो मेक श्योर कि इतना डेटा हो आपके पास, और इतना डेटा तो होता ही है, इंडिया में सब डेटा को लेकर काफी अमीर हो चुके हैं। सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है एंड रेडी टू गो। तो ये सारे काम करने हैं iOS 14 को चेकआउट करने के लिए। बात करें 14 के पब्लिक बीटा 4 में तो क्या चेंजेस आए हैं, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिला, मैंने बहुत स्क्रॉल किया। कुछ मेजर चेंजेस आए हैं, एक से दो, बाकी हम देख लेते हैं मेरे फोन पे कि क्या क्या हैं। मेजर चेंजेस की बात करें तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे पहले iOS 14 के पब्लिक बीटा 1, 2, 3 में आपको 3G टच मिसिंग था। जो फोन यहाँ पे आई डिवाइस 3G टच को सपोर्ट करते हैं, वहां पे 3G टच नहीं था। फाइनली वो चीज वापस आ गई है, मतलब लॉन्ग प्रेस करने पे आपको फर्दर ऑप्शन आ जाते हैं विद इन एप्लीकेशन, तो 3G टच आपको फाइनली यहाँ पे विजिबल हो चुका है। तो ये यहाँ पे देख सकते हो आप, 3G टच अच्छा खासा काम कर रहा है। सेकंड थिंग, अगर हम बात करें iOS 14 पब्लिक बीटा 4 में, तो यहाँ पे आपको टीवी का विजेट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे एप्पल टीवी का पहले विजेट देखने को नहीं मिलता था, अगर इसको हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पे 3 वेरियंट देखने को मिलते हैं। तो लेट्स से हम इसको ऐड करते हैं यहाँ पे, तो ये आ गया स्क्रीन पे। हियर वी गो, तो एप्पल टीवी का विजेट आ गया है। ये इसका छोटा वर्जन है, ये इसका बड़ा वर्जन है। इफ यू क्लिक इट, तो सिंपली आपको एप्पल टीवी के अंदर लेके जाता है जहाँ पे एप्पल के जो ओरिजिनल कंटेंट है वो है। और इनफैक्ट अभी मैंने चेकआउट किया, यहाँ पे इंडियन कंटेंट प्रोवाइडर्स के साथ भी एप्पल ने थोड़ा बहुत टाई अप किया है, तो हीरोज के कंटेंट भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बाकी मूवीज वगैरह आप रेंट आउट कर सकते हो, खरीद सकते हो। फर्दर चेंज के बारे में बात करें तो वहाँ पे वो आपको वेदर के अंदर देखने को मिल जाता है, जहाँ पे पहले इतनी क्लैरिटी देखने को नहीं मिलती थी, इतनी क्रिस्प जो इसका फॉन्ट है वो देखने को नहीं मिलता था, अब यहाँ पे जो फॉन्ट है काफी क्रिस्प कर दिया गया है। कमिंग बैक टू नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे एक्सपोजर नोटिफिकेशन का सेटिंग पहले नहीं था, अब वहाँ पे एक्सपोजर नोटिफिकेशन आ चुका है। यहाँ पे अगर आप सर्च करते हो तो ये आ गया एक्सपोजर नोटिफिकेशन। बेसिकली COVID-19 या ऐसी भी कोई बीमारी जो मतलब कम्युनिटी स्प्रेड की तरह काम करती है, उसको डिटेक्ट करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए नोटिफिकेशन काम में आता है। और यहाँ पे अगर कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है तो उसके थ्रू ये डिटेक्ट करके आपको बता सकता है कि भाई आप किसी भी मतलब वायरस वाले बंदे के करीब आए हैं, संक्रमित ज़्यादा टेक्निकल हो गया, तो ये आपके लोकेशन को लेके डिटेक्ट कर लेता है और मतलब आपको नोटिफाई करता रहता है। दैट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। फर्दर नई चीज़ देखने को मिली मुझे, वो यहाँ पे थी सर्च फीचर। तो जब भी आप कुछ सर्च करते हो, फॉर एग्जांपल जोमेटो, तो पहले जो डेटा था काफ़ी ज़्यादा नहीं था, मतलब अलग अलग एप्लीकेशन से डेटा निकाल के आपको नहीं देता था, अब यहाँ पे वेरिएशन बहुत ज़्यादा आ गई है। मतलब कि जो इंडेक्सिंग है और जो आप पर्टिकुलर कीवर्ड ढूंढ रहे हो, उसको वो पर्टिकुलर ऐप में जाके वहां से उस चीज को निकालना, वो काफी क्लियर करके यहाँ पे आपको दिखाएगा, मतलब उल्टा सीधा कुछ भी कंटेंट नहीं दिखाएगा। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी iOS 14 का पब्लिक बीटा 3 में, जहाँ पे कीबोर्ड वगैरह काफी क्रैश हो रहे थे। वैसे कीबोर्ड यहाँ भी इतना ज्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं है, और मुझे अभी भी थोड़ा बहुत बगी बगी सा फील हुआ iOS 14 का पब्लिक बीटा 4, बिकॉज यहाँ पे बहुत बार जो स्क्रीन है वो मतलब काम नहीं करती है या अपने आप काम करने लगती है। इसके साथ ही इसमें एक एड ऑन और देखा मैंने जो पब्लिक बीटा 4 में आया देखने को मिला मुझे, वो ये कि यहाँ पे जब आप एप्पल का मैप खोलते हुए, इंडिया में एप्पल मैप ज्यादा लोग यूज नहीं करते हैं, सब गूगल पे डिपेंडेंट है, बट स्टिल अगर आप यहाँ जाते हो और यहाँ पे अगर आप यहाँ देखते हो, छोटा सा एक आइकन है जो कि आपको टेम्परेचर बताता है और एयर क्वालिटी इंडेक्स बताता है यहाँ कॉर्नर में। तो जब भी हम इसको लॉन्ग प्रेस करते हैं, मतलब 3G टच, तो यहाँ पे आपको फर्दर नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता है। मतलब हम ऐसा कह लें कि यहाँ पे विद इन मैप आपका जो वेदर एप्लीकेशन है उसका इंटीग्रेशन भी काफी अच्छे से कर दिया गया है, और विद इन ऐप आपको एक मतलब जनरल आइडिया लग जाता है कि मौसम कैसा रहने वाला है 24 घंटे का, और आपको फर्दर डिटेल चाहिए तो इसको क्लिक करते हो तो ये आपको ले जाता है वेदर एप्लीकेशन के अंदर। तो मतलब ऐप इन ऐप कॉन्फ़िगरेशन जो है और इंटीग्रेशन है वो काफ़ी अच्छा कर दिया गया यहाँ पे, और इसके साथ थोड़े बहुत बग फिक्सेस किए गए। तो यार ये थी सारी चीज़ें यहाँ पे iOS 14 पब्लिक बीटा 4 के बारे में। उसके साथ एक काम और करना है, YouTube पे आप मेरे वीडियो को देख रहे हो तो यहाँ पे जाकर चैनल को ऐसे सब्सक्राइब कर देना रेड वाले को दबा के, और घंटा बजाना या नहीं बजाना आपकी कॉल है पूरी। और बाकी इस वीडियो को करते हैं ख़त्म, आगे मिलते हैं कोई नई इंटरेस्टिंग वीडियो में किसी बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।